अगर आप समोसे के शौकीन हैं तो ये पोटैटो समोसा रोल बनाइए, ये बहुत ही बढ़िया है। और इसे मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा दूं और बहुत ही टेस्टी है, क्रंचीनेस इसके आप देख ही सकते हो। और इसमें जो फिलिंग मैंने डाला है बहुत ही बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हमने आपके साथ आलू समोसा रोल की रेसिपी शेयर की है, ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए बिना देर के रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम एक कप ये मैदा ऐड करेंगे। देखिए, क्वार्टर टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। देखिए, दो पिंच अजवाइन। देखिए, अब इसमें दो पिंच हम मंगरेल डालेंगे। देखिए, मोइन के लिए हम दो टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए, एक कप मैदे का मेजरमेंट आपको दे रहे हैं। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। देखिए, अच्छे से इसे मैश कर लीजिए। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मैदा ही बनने लगा है। देखिए, बस इतना ही हमको चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लें। देखिए, इस तरीके से हम इसका सॉफ्ट डो तैयार कर रहे हैं, जैसे हम लोग पूड़ी वगैरह के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर उसको गूंद करके इस तरीके से रख देना। देखिए, तैयार हो गया, ठीक है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। देखिए, एक कटोरी में हम 2 टेबल स्पून मैदा डालते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से। देखिए, हमने उबले हुए आलू लिए हैं, ये वजन से 200 से 250 ग्राम के करीब है। इसको आप मैश कर लीजिए इस तरीके से, या तो आप जो है इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा। बहुत पतला मत कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा। देखिए, इस तरीके से। देखिए, 2 से 3 टेबल स्पून हमने ये हरी मटर ली है, ये मेरी फ्रोजन वाली है। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसके पर दीजिएगा। इसमें कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है कि डालना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसे भी थोड़ा सा मिला लीजिए। ठीक है, मटर डालने से ये होगा, इसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़िया सा हो जाएगा। अब देखिए, देखिए 2 से 3 ये हरी मिर्च हमने लिया है, छोटी छोटी मैंने काटा है पतली पतली, और 2 से 3 लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये देखिए, थोड़ी सी हरी धनिया है, ये जरूरी है इसमें। देखिए, अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल लें, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, और ये हमने थोड़ी सी लिया इसलिए कि मिर्च हमने डाला है, जो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा जितना आप खाते हो। 1/2 टीस्पून जीरा पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून पिसी खटाई, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, इस तरीके से। देखिए, अच्छे से ये मिल गया है मसाला। अब चलिए, इसे हम किनारे रखते हैं। देखिए, 2 टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये देखिए, अब देखिए 3 टेबल स्पून तक ये पापे का चूरा है जो हमने पीस लिया था, इसे हम डाल देंगे बाइंडिंग के लिए। आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो, ब्राउन वाली ब्रेड भी ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। बस थोड़ा सा इसकी बाइंडिंग हमको चाहिए, बस अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, इस तरीके से मिला लीजिए। अगर आप मुझसे बोलोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको ब्रेड क्रम्स की भी रेसिपीज दे दूंगी, हर तरीके का, किस तरीके से हमको आसानी से ब्रेड क्रम्स आप घर पे बना सकते हो, ताकि बाजार से आपको लेना नहीं पड़े।
अब देखिए हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लीजिए ऐसे, जितना बड़ा आपको चाहिए ये देखिए। ठीक है, ऐसे दूसरा भी बना लीजिए। देखिए कॉर्नफ्लोर अब ब्रेड क्रम्स डालने से ये आलू चिपकेगा ना और थोड़ा सा बढ़िया सा बन जाएगा। ये देखिए ऐसे बना लीजिए आप, ये देखिए। ये देखिए इस तरीके से बॉल्स अब तैयार कर लीजिए बस। ठीक है, ऐसे ही सारी बना लीजिए आप। देखिए ये सारे बन गए हैं। अब देखिए हम आटे को खोलते हैं। इसको दो भागों में कट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैदा लगा के आप इसे इस तरीके से बेल लें। देखिए देखिए इस तरीके से आप पूरा बेल लीजिए। सब जगह बराबर कर लीजिएगा, पतला सा बेल लें। देखिए इस तरीके से हम एक पीस रखती हूँ और इसको अच्छे से नाप लेते हैं और यहीं बगल से इसे हम कट कर दे रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से हम फिर कट कर दे रहे हैं। ये देखिए अब देखिए हम इसे रोल करना चालू करते हैं। टाइट टाइट करिएगा इस तरीके से। देखिए जो लास्ट वाला बच रहा है उस पे हम ये घोल लगा देते हैं, जो हमने घोल अभी बनाया था उस घोल को लगा करके हम इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए एक एक रोल इसी तरीके से तैयार कर लें। देखिए मैं दूसरा भी बना के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बना ले, लास्ट में जो है थोड़ा सा घोल लगा लीजिए इस तरीके से। देखिए मेरे रोल्स तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम इसे फ्राई करके आपको दिखाते हैं। देखिए गैस का फ्लेम ऑन करके हम इसमें ऑयल डालते हैं और ऑयल को हीट होने दें मीडियम फ्लेम पे। इसको हम सेम वैसे ही तलना है जैसे हम लोग समोसा तलते हैं, वैसे भी समोसा रोल है उसी प्रोसेस से तला जाएगा। देखिए अब हम धीरे धीरे इसमें हम डालते हैं एक एक। देखिए इस तरीके से आप डाल दें, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आप फ्राई करें। देखिए इस तरीके से। देखिए एक से दो मिनट के बाद अब धीरे धीरे इसे पलट दें। देखिए इसे थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पुलट करते जाइए ताकि कच्चा न रहने पाए, फ्लेम वैसे ही लो टू मीडियम रहेगा। देखिए हो गया है, अब आप इसे निकाल लीजिए। देखिए बहुत ही कुरकुरे बने हैं। देखिए सेकेंड बैच भी हम सेम इसी प्रोसेस से तल लेंगे। देखिए हो गए हैं, आप इसे भी निकाल लें। देखिए इस तरीके से आप इसे निकाल लीजिए, बेहद टेस्टी है। आप मार्केट का समोसा भूल जाएंगे मेरे यकीन करें।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व कर लिया है। इसे मैं आपको करीब से दिखा दूं, ये बेहद टेस्टी इसी क्रंचनेस जी मैं आपको दिखा दूं। और ये बहुत ही करारे हैं और किसी भी ओकेजन पर आप इसे रखेंगे मेहमान के सामने तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और इसमें जो हमने फिलिंग डाली है बहुत ही बढ़िया है और आप इसे बनाएं जरूर। हमारे यहाँ तो नॉर्मली रमजान शरीफ में हम लोग अवतार के लिए ढूंढते रहते हैं कहाँ से बढ़िया बढ़िया से रेसिपीज मिल जाए, तो खैर हर ओकेजन में ये काम आएगी और बहुत ही बढ़िया है और ये हेल्दी भी है। अब देखिए आप इसको इस तरीके से इसे सर्व करिए, बहुत ही बढ़िया लगेगी। इसे आप टेस्ट करिए, मैं तो कर रही हूँ, आप भी करिएगा, बनाइएगा जरूर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई और पुरानी हर तरीके की रेसिपीज मैं अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं किसी बढ़िया से रेसिपीज में, तब तक आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।